क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट उशर ऑन अ राइस क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंटिंग टू ₹6 लाख। उशर फाइंड करना है किस पर? चावलों की फसल पर, जिसको जो प्रोड्यूस की गई है, जो उगाई गई है नेचुरल रिसोर्सेज से, कुदरती ज़राए से, अमाउंटिंग टू ₹6 लाख। कुदरती ज़राए क्या होंगे? नहर या इसी बारिश के जरिए उगाई गई है फसल चावलों की, और उसकी जो लागत, उसकी जो कीमत है, जो सेल हुई है, वो है कितनी? 6 लाख। उशर भी ज़कात की किस्म है। अच्छा, उशर किस्म फाइंड करेंगे अमाउंट प्रोड्यूस बाय नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट कितनी प्रोड्यूस हुई है नेचुरल रिसोर्सेज से। अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस बाय नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी अमाउंट कितनी है? 6 लाख। 6 लाख और 6 लाख रुपीज की अमाउंट है। अब रिफाइंड करेंगे रेट ऑफ उशर क्या होता है। 10% जो नेचुरल रिसोर्सेज उगाई जाती है, इस पर लिखा हुआ है जिस तरह क्रॉप प्रोड्यूस बाय नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज उगाई जाती है उस पर उशर कितना होता है? 10%। और जो मसनू उगाई जाती है जैसे मोटर वगैरह चला कर, रेट ऑफ उशर उसका होता है 5%। इधर क्या है? रेट ऑफ उशर 10%, तो 10% ऑफ 6 लाख लिखेंगे जी। अमाउंट ऑफ उशर क्या आ जाएगी? अमाउंट ऑफ उशर कितनी आ जाएगी? 10% ऑफ 6 लाख। 6 लाख का 10% तो क्या आ जाएगा? 10% इंटू 6 लाख तो क्या आ जाएगा? 10% क्या होगा? 10/100 इंटू 6, ये टू जीरो से काट जाएंगे, लेकिन एक जीरो उसका आ जाएगा। 6 ये क्या आ जाएगी? 60,000 रुपीज अमाउंट ऑफ उशर क्या आ गई हमारे पास? अमाउंट ऑफ उशर ये थी अमाउंट फॉर उशर, और यह अमाउंट ऑफ उशर। स्टेटमेंट जैसे लिख रहा हूँ इसको चेंज कर सकते हैं आप। अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस बाय नेचुरल रिसोर्सेज, अमाउंट फॉर उशर, रेट ऑफ उशर एंड टोटल। सर नॉर्मल एक स्क्रिप्ट में अगर लिखना चाहते हैं।